अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कुछ हीटर से मुतल्लिक। तो जिस तरह की बहुत ज़्यादा ठंड आ गई है और ठंड से बचने के लिए हर घर में जो है वो हीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरे पास है इलेक्ट्रिक हीटर। तो आज हम कुछ उसके बारे में बात करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या पॉसिबली नुकसान हैं। तो ये है मेरा इलेक्ट्रिक हीटर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। अच्छा, अब ये वाला हीटर हमारे गैस हीटर से इस तरीके से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि बेसिकली ये इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है और ये रेडिएशंस को पास करता है। इसकी वजह से हमारे तमाम आसपास के ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह के कोई भी चीज़ें, टेबल, चेयर्स, एवरीथिंग, उनमें इलेक्ट्रॉन चार्जेस पैदा हो जाते हैं, जिस वजह से ज़्यादा खतरा है कि अगर आप एट द स्पॉट उन ऑब्जेक्ट्स को टच करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा होने की वजह से आपको जो है वो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हम इसके आसपास के मौजूद कोई भी ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीज़ों को छेड़ेंगे जो हीटर के आसपास मौजूद हैं, टेबल्स, चेयर्स, आपकी चीज़ें होंगी, तो उसको छेड़ने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस उसमें मौजूद हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, जब वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट होते हैं तो हमारी बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है कि उसको लगता है कि हमें कोई हीट हमारी बॉडी को दी जा रही है, कोई आग है जो हमारे आसपास मौजूद है, जिसकी वजह से बॉडी का रिएक्शन सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है और बेसिकली वो अपने आप को प्रिवेंट करना शुरू कर देती है, बचाव शुरू कर देती है बॉडी उस आग से, उस रेडिएशन से। तो इससे ये पता चलता है कि हीटर के बहुत ज़्यादा देर करीब रहने से हमारी बॉडी जो है वो हर टाइम एक्टिव रहती है। इस वजह से जो आपकी स्किन है वो भी ड्राई हो जाएगी, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो हर वक्त होता रहेगा, यानी कि आपकी बॉडी को जो है वो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्कअप करना पड़ेगा। और हीट का इफेक्ट कुछ इस तरह से होता है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है उससे तमाम मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हीटर के पास, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो गैस वाला हीटर हो, उसके पास आप ज़रूर कोई पानी का बोल रख दें, ताकि वो पानी जो है वेपरेट होता रहे और तमाम जो है वो मॉइस्चर वगैरह आपकी कंडीशंस में, एनवायरमेंटल स्टेट में मौजूद हों। इस वजह से वो लोग जो तमाम इस तरह के इदारों में काम करते हैं जहाँ पर रेडिएशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है या फिर इस तरह के प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियोथेरेपी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कि उनकी स्किन ख़राब होने के चांसेस होते हैं, हेयर ख़राब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये रेडिएशंस बेसिकली आर्टिफिशियल हैं और ये हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि सर्दियों के मौसम में जब आप हीटर का इस्तेमाल करें तो एक तो थोड़ा डिस्टेंस अपना रखें, दूसरा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इतना ज़्यादा हीटर का यूज़ ना करें, क्योंकि इसके नुकसान भी हैं और आपकी बॉडी हर टाइम एक्टिव रहती है कि जैसे वो किसी ऐसी सिचुएशन में मौजूद है जहाँ उसको ज़रूरत है कि वो काम करे। बॉडी का कुछ नेचुरल मैकेनिज्म है जिसमें आपकी तमाम एंटीबॉडीज़, आपका इन्फ्लेमेटरी सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी जो है वो ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने की वजह से हेयर फॉलिकल्स का भी गिरना, यानी कि बालों का झड़ना, हेयर ड्राई फॉल भी शुरू हो सकता है, बॉडी की ड्राइनेस हो सकती है, और इसके साथ साथ ही जो है वो रिंकल्स का पड़ जाना, यानी कि झुर्रियों का पड़ जाना स्किन पे, वो भी हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर हमारी बॉडी से तमाम वाटर मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ना हो सके इसका कम इस्तेमाल करें, थोड़ा डिस्टेंस से करें, और जब आपका रूम जो है वो गर्म हो जाए, टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन हो जाए, तो उसको जो है वो बंद कर दें प्रॉपर्ली टाइम पर। तो इसके साथ ही अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।